नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हसन के बारे में, हसन में क्या स्थिति है, आलू के कितने कट्टे वहाँ पे बुआई हुई। बात करेंगे दोस्तों आलू से संबंधित जो चुनाव के दोस्तों कल नतीजे आए हैं और आज सुबह तक आते रहे दोस्तों, और यूपी में काफी नुकसान हुआ है, यूपी में काफी सीटें कम हुई है जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही थी उसकी। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि व्यवस्थाएं एकदम सही होनी चाहिए। व्यवस्थाएं कैसे, ऊपर से दोस्तों जब ऊपर मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग नीचे तक, जो नीचे जनता है, आम जनता है, उस तक कितनी बढ़िया है, ये भी होना चाहिए दोस्तों। लास्ट ईयर अब आलू से संबंधित, आलू से जानकारी देता हूं तो मैं इसको भी आलू से जुड़कर आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। अब आलू से जोड़कर मैं इसलिए बताऊंगा आप लोगों को कि आलू वाले किसानों को दोस्तों जो सुविधाएं मिली, इसमें दोस्तों आलू वाले किसान भी नाराज थे, और वो सरकार से क्यों नाराज थे, यूपी गवर्नमेंट से। मैं यूपी की बात करूंगा क्योंकि मैं यूपी में रहने वाला हूं। तो यूपी में दोस्तों अगर मैं रहता हूं तो यूपी के बारे में बात करूंगा, और जो यूपी की मौजूदा स्थिति है उसको मैं आलू से जोड़कर बात करूंगा, किसानों से जोड़कर। तो मेरी वीडियो अगर ठीक लगे तो आप लोग शेयर जरूर करना और वीडियो पूरा देखना। दोस्तों सबसे बड़ी चीज किसान, हम लोगों को क्या चाहिए, चाहे मैं किसान हूं, मैं व्यापारी भी हूं, छोटा मोटा किसान भी हूं दोस्तों, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए दोस्तों, सुरक्षा चाहिए, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, ठीक है। मेरे को अगर थाने दरबार या पुलिस से कोई काम पड़े तो मेरा काम तुरंत होना चाहिए। मुझे अगर छोटी मोटी किसी नेता से जरूरत पड़े तो मेरा जो लोकल नेता है, लोकल जनप्रतिनिधि, उससे मैं कह के अपना काम करा लूं, ये होना चाहिए। दूसरा, मेरे लिए जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं आलू किसान हूं, मैं कोल्ड स्टोर का भाड़ा देता हूं, आलू रखता हूं कोल्ड स्टोर में 7-8 महीने तक आलू रखता हूं, उसके बाद मैं कोल्ड स्टोर में भाड़ा देता हूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पिछली साल आप लोगों ने देखा होगा, जब आलू भंडारण हो रहा था तब उस समय पे अखबारों में समय आई थी कि किसानों को आलू का भाड़ा 230 रुपए क्विंटल देना है, शुगर फ्री का भाड़ा 250 रुपए क्विंटल देना है। उसके लिए खूब मेहनत की हमने, हालांकि भाड़े कोल्ड स्टोर मालिक जो तभी 280 रुपए क्विंटल करे दे रहे थे, 270 रुपए क्विंटल करे दे रहे थे, वो भाड़े नहीं बढ़ पाए, ठीक है, वो भाड़े नहीं बढ़े। पर दोस्तों इस साल 10 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं। कोई मॉनिटरिंग है सरकार की ऊपर से किसी भी चीज की, जो लोकल तंत्र है, जो जिला उद्यान अधिकारी है, इनकी कोई मॉनिटरिंग क्या है? सरकार ऊपर से मुख्यमंत्री जी ने न्यूज़पेपर में, खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सब न्यूज़पेपरों में निकला, ठीक है। हमारी काफी डायरेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर के, वो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, उनसे भी काफी बात होती रही, मुख्यमंत्री जी तक हमने काफी ट्वीट किए, पर नीचे नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। आप लोगों ने देखा होगा, तो आप सब किसान तब जुड़े हुए थे, डेली आप वीडियोस देखते थे मेरे, कितनी लोगों ने मेहनत की थी, कितने ट्वीट किए थे हर जगह। कन्नौज में भी दोस्तों एक किसान संगठन ने भाड़े के ऊपर काम किया था, पर दोस्तों कहीं नहीं। ये इन सब चीजों का दोस्तों फर्क पड़ता है, हम लोगों को सुविधाएं चाहिए। फिर लोग कहने लगे किसान, अरे जाकर शर्मा जी सब ये इनकी उद्योगपतियों, इनकी सरकार है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, लोगों ने हार कर बैठ गए। एक आम जनता की जब सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज के ऊपर, जब मुख्यमंत्री जी का एक किसानों के प्रति वो अच्छा सोच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्हें सोची कि ला चलो एक सुविधा दे देते हैं, भाड़ा इतना कर देते हैं, भाड़े जाता है क्योंकि कहीं कहीं तो 100 रुपए कट्टा ही भाड़ा लग रहा है, जैसे फिरोजाबाद जिले में 140 रुपए कट्टा ले रहे हैं कोल्ड वाले, और आगरा में 120 रुपए कट्टा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीजें ऊपर से मॉनिटरिंग हुई सरकार के, इनके जो शासन आदेश में काफी जो है इनका कोल्ड स्टोर वालों का जो होता है, जो क्या कहते हैं दोस्तों, इनका एक प्रोस्पेक्टस टाइप का होता है, जो इनका एक्ट वगैरह है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जब भाड़ा कोल्ड स्टोर का ज्यादा हो तो सरकार कभी भी हस्तक्षेप कर सकती है और उसको मुख्य धारा में ला सकती है, कम कर सकती है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या हुआ, इन सब चीजों का कोई लाभ तो नहीं मिल पाया किसानों को, ऊपर से तो उन्होंने कर दिया कि ठीक है इतना भाड़ा लिया जाए, और यहाँ इंतजार ही करते रहे, जिला उद्यान अधिकारी जी से बात करोगे क्या हुआ भैया, कह रहे ऊपर से कोई लेटर ही नहीं, उनके पास कोई लेटर ही नहीं, और शिकायत की किसानों ने तो तमाम लेटर आए वहां से, भाड़ा इतना लेना चाहिए, भाड़ा इतना लेना चाहिए, जिला अधिकारी महोदय ने भी यही किया, जिला उद्यान अधिकारी ने भी यही कहा कि इतना भाड़ा लेना चाहिए, भाड़ा आप ज्यादा क्यों ले रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, किसानों को 1 रुपए का लाभ नहीं मिल पाया, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला,
जो लोग नाराज थे उन्होंने देखी कैसी व्यवस्था है तो उन्होंने वोट नहीं दी। और किस चीज से होता है, बिजली ट्यूबवेलों के बिल माफ हो गए। अब पता चल रहा है कि खबरें आ रही है कि 10 HP तक ही माफ हुए हैं, उससे ऊपर वाली समर क्या कहते हैं उनका बिल आएगा। मतलब काफी चीजें आ रही है, काफी खबरें आती रहती है। अब जब बिल्कुल पूरी तरीके से माफ हो जाए तब मानो कि हाँ चलो माफ हो गए, अब बिल नहीं आएंगे, रट्टा खत्म हो गया। ये भी सब चीजें, मंडी का पिछली साल आपने देखा टूला मंडी में कितना हम लोगों ने कितना संघर्ष करना पड़ा, हमको बाजरा रेट से कम में खरीदा जा रहा, MSP पे तो छोड़ो, MSP क्या 100-200 रुपए क्विंटल सस्ता खरीद रहे बाजरा, अपने मनमाफिक खरीद रहे, मॉइस्चर उल्टा सीधा, मशीनें काम नहीं कर रही। कितनी मैंने वीडियो डाला था, ट्वीट किया DM साहब के लिए, फेसबुक पे मैंने वीडियोस डाले काफी। उसके बाद दोस्तों कम से कम वहां पे सुधार हुआ और आलू की बाजरा की बिक्री जो आलू किसान लेके जाते हैं, आलू गर्मी वाला करते हैं, तब बिक्री सुचारू रूप से हुई। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं। चिकनी रोड कहते हैं, रोड बन रही है, बढ़िया रोड बन रही है। दोस्तों बढ़िया रोड में और या बढ़िया ट्रेन में चलने के लिए जेब में दाम भी तो होना चाहिए। रोड तो खूब चिकनी बन गई, पर उस जो जिस चिकनी रोड पे मोटरसाइकिल या कार चलेगी उसमें डालने के लिए पेट्रोल तो 100 रुपए लीटर आ रहा है, ये भी तो समझना चाहिए। तो आलू की यूपी में सबसे ज्यादा आलू होता है, हमारे यहाँ यूपी में सबसे ज्यादा ही तो आलू होता है, पूरे भारत से मैं सबसे ज्यादा आलू यूपी में होता है और सबसे ज्यादा आगरा मंडल में सबसे अच्छा क्वालिटी का आलू भी होता है। खंदौली का आलू तो राजधानी कही जाती है आलू के मामले में। क्या कितनी प्रोसेसिंग यूनिट लगी है खंदौली में, कितने आलू वाले किसानों के लिए सुविधाएं लगी है कि जो सुविधाएं आलू वाले किसानों के लिए, एक मुझे कोई बता दे, बताओ आप मुझे। उल्टी किसानों की सुविधाएं तो दूर करो, उल्टे सीधे भाड़े वसूले जा रहे हैं कोल्ड स्टोर वाले को द्वारा महंगे करके। ठीक है कहीं 10-10 किलोमीटर दूर पर 20-20 रुपए कट्टे का अंतर आ रहा है, क्या चक्कर है, क्यों आ रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं है। निकासी कितनी होगी, भंडारण कितना होगा, कोई कहीं कुछ मालूम नहीं है। बंगाल से सीखना चाहिए थोड़ा बहुत, बंगाल में एक एक कट्टे का हिसाब आ जाता है। कभी सुनी के बंगाल में आलू फिक गया, कभी नहीं फिक पाता क्योंकि वह फिगर करेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सरकार की, पर मैं सरकार को, जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो अगर कोई लेख, तो उनको ये चीज समझनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसलिए किसान वोट नहीं देना चाहता, किसानों को दिक्कतें हैं कि किसानों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, वो ऊपर ही रह जाती हैं हवा में। वो आप ऊपर से खूब ईमानदार बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी खूब ईमानदार है, वो वहां से इंप्लीमेंट करके चीजें लेके आते हैं, पर वो नीचे धरातल पे आते आते बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। उन्होंने तो अखबार में छपा दिया, सब जगह नोटिस, सब जगह मतलब अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में आया कि इतना भंडारण शुल्क वसूला जाएगा। भंडारण शुल्क में एक एग्जाम्पल आपको तगड़ा दे रहा हूं, और भंडारण शुल्क कहां, कौन से कोल्ड स्टोर में, जो वहां से आया था न्यूज़पेपरों में, जो वहां से निकला था दोस्तों, वहां से आदेश आए थे जो सरकारी तंत्र की तरफ से, तो वो कहां इम्प्लीमेंट हुआ था, कहीं हुआ कुछ बताओ। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए मुद्दे की बात, किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, मैंने एक ही एग्जाम्पल दे दिया कि सड़कें चाहे कितनी भी चिकनी सुंदर बन जाए, उसके ऊपर चलेगी गाड़ी ही, और गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डीजल डलता है उसकी रेट ऐसी होनी चाहिए कि एक मिडिल क्लास का आदमी आसानी से उस पेट्रोल को डलवा ले, ये दिक्कत है। बाकी दोस्तों बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, फिलहाल की स्थिति में यह है कि लोगों को, मैं चाहे किसी की भी सरकार बने, इन सीरियों के बारे में सबको सोचना चाहिए। ठीक है ना, जो धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों के लिए, उनके उनके बारे में उनकी पूर्ति करनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों हसन कर्नाटक के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बड़ा न्यूज पे खबरें चल रही हैं, सब जगह चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे, अब तो इस आपने चुनाव में देख ही लिया होगा कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा प्रभाव है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, और लोग तो दोस्तों उम्मीद लगा लेते हैं, आप नहीं उम्मीद पे खड़े उतर पा रहे हो तो दूसरे हैं उनसे उम्मीद लगा लेते हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास का कोई भी आदमी, उम्मीद लगाकर बैठना जरूरी है। उम्मीद तो भाई लगानी पड़ेगी, आप जन नेता हो, ठीक है, तो आप लोगों से ही उम्मीद लगाएंगे। आपसे नहीं पूरी हो पा रही है लोगों की इच्छा होगी तो दूसरों से उम्मीद लगा लेता है, इसलिए दोस्तों लोग वोट नहीं देते हैं, वोट दूसरी देते हैं, ये सारी चीज। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों के हसन में लगभग 2.5 से 3 लाख कट्टे की लगने की दोस्तों रिपोर्ट है, लगने की क्या, अभी पहुंचा है, बीज पहुंच रहा है धीरे धीरे, कुछ एरियों में लग भी गया है, पर दोस्तों बारिश लगातार जारी है, बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। तमाम भ्रांतियां फर्जी खबरें इंटरनेट पर चल रही है, कतई ध्यान ना दो, 2.5 लाख कट्टा या 3 लाख कट्टा अब तक हसन में पहुंचा है, और उसमें से दोस्तों अभी बुआई कितने की हुई है ये अभी कोई नहीं बता सकता है, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख कट्टा भी अभी नहीं लग पाया है, क्योंकि दोस्तों हसन में लगातार बारिश हो रही है, और हसन की वेदर, उसके लिए आप लोगों को कहीं नहीं जाना, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में
वेदर की रिपोर्ट देख लेनी है और सन में साफ साफ लिखा आ जाएगा। मैंने आप ये दबाया और ये रहा दोस्तों साफ साफ, ये सारी सुविधाएं बढ़िया है, यहीं बैठकर हम पता कर सकते हैं। 11:22 में दोस्तों लगातार बारिश बताई जा रही है हसन में, लगातार आप हसन को डाल के देख सकते हैं। आज तो 98% बारिश है, कल 80%, फ्राइडे को 77%, सैटरडे को 72%, इतवार को 55%, मंडे को 65%, ट्यूजडे को 59%, ऐसे बारिश बताई जा रही है। किसी भी फर्जी खबर में न जाए, पहले हसन में पिछली साल 4.5-5 लाख कट्टे की लगने की रिपोर्ट थी, इस बार दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 2.5-3 लाख कट्टा ही लग पाएगा, हो सकता है 10-20 हजार और बढ़ जाए, ये रिपोर्ट अभी तक मिल रही है हसन से। ठीक है, कभी भी विश्वास ज्यादातर सोशल मीडिया पे भी नहीं करना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम तो दोस्तों सीधे सीधे किसानों से जुड़े हैं, हमको सीधा सीधा, हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को लाभ होना चाहिए, किसानों को लाभ होगा। ज्यादातर जनसंख्या दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की है, मेरे यहाँ तो टोटल टूड़ा से लेकर बात करें जाए बागड़ उधर तक तो सब टोटल किसान ही है, या कौन से उद्योगपति रह रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 50-60 होंगे उद्योगपति, 100 होंगे और हजारों किसान बैठे हुए। सुविधाएं उद्योगपतियों के लिए पहले है, किसानों को बाद में पूछा जाता है, ये सारी चीजें किसानों को पहले पूछा जाए तो फिर किसान भी पूछ कर ले, ये है। बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में 18 गाड़ी की आमदनी, एक्सेल सुपर आलू 28-29 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 26-27 रुपए किलो। बात करें बेंगलोर की तो 23,000 कट्टे की आमदनी, एक्सेल सुपर आलू 27-28, हल्की क्वालिटी का 24-25 रुपए किलो। बात करें मुंबई की 23,000 कट्टे की आमदनी, एक्सेल सुपर आलू 24-25, हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 22-23 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 19-20, एमपी का ज्योति 27-28। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली आजादपुर मंडी में, जयपुर की बात आऊं दोस्तों मैं तो, जयपुर में आज 21-22 रुपए किलो बढ़िया आलू बिके, हल्की क्वालिटी का 17-18-19 रुपए। दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थिति इतनी गड़बड़ होती जा रही है कि गाड़ियां दोस्तों वहां पर 60-70 गाड़ी 80 गाड़ी 50-30-40 गाड़ी बिकना मुश्किल हो रही है, कहां इतनी बड़ी मंडी दोस्तों थी। आज स्थिति यह है कि आलू बिक्री पैकारी तक जाने को तैयार नहीं है मंडी में, और इतने दिन से हम मुद्दा उठा रहे हैं, किसी मंडी के कोई भी जो अधिकारी लोग, इनके पास रिव्यूज तो पहुंचती होगी, लोगों ने थोड़ा कहीं भी सोचा कि इन आड़तियों को कम से कम देखा जाए कि कारण क्या है, मंडी में लगातार अराइवल घटती जा रही है आलू की, तो कहां से रेवेन्यू आएगा, मंडी के खर्चे कहां से चलेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बात करें पूना मंडी की तो 26-27 गाड़ी की आमदनी, एक्सेल सुपर आलू 24-25-26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22-23 रुपए किलो। अपने वोट की वैल्यू लोगों ने समझी इस बार, लोग देखो बार बार आप किसी भी सरकार को जिताते रहेंगे तो उनको भी आदत हो जाएगी, अरे वोट तो मिल ही जाता है, काम तो जो हम इसका मतलब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, उनको वो तो इस धोखे में है कि हम तो सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो कोई चीज गलत एक चीज कर रहे हैं, वो उसको भी ये सोच रहे हैं कि अरे जनता तो खुश है, ये जनता तो हमको धुआंधार वोट दे ही रही है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, जनता तो खुश है ही है, जनता धुआंधार वोट दे रही है, फिर हमको कुछ अलग हटके करने की क्या जरूरत है, हम तो ऊपर से योजनाएं बना रहे हैं, सब किसानों को मिल रही है, किसान खुश हो रहा है, डीएपी पे चाहे रेट डीएपी किसी भी रेट, चाहे किसी भी मुश्किल से मिल रही है चाहे आसानी से मिल रही है, तो हमें किसान वोट तो दे ही रहे हैं। तो इस साल दोस्तों थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, लोगों ने समझा कि लाओ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो चीजें हैं जो धरातल पे जो स्थिति है उसके बारे में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो पता करें कि हाँ ये चीजें सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं। खासकर ये यूपी में दोस्तों हुआ है, खासकर ये टूडला में हुआ है हमारे, खासकर ये फिरोजाबाद में हुआ है। ठीक है, तो अब जो माननीय सांसद हुए हैं उनसे उम्मीद करेंगे हम लोग तो भाई जनता तो उम्मीद ही कर सकती है कि भाई तुम क्या आलू वाले किसानों के लिए कोई ये कैसी सुविधाएं किसानों के लिए करेंगे, भाई उनसे भी मिल लेंगे हम तो जाकर, मैं क्या दिक्कत है सबसे, भाई हमारा तो काम ये है कि हम तो नई नई चीजें जो हर किसान का मुद्दा है हर चीज को उठाते ही रहते हैं धीरे धीरे करेंगे। बात करें तिरछी की तो 11 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 30-31 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 28-29 रुपए किलो। बात करें मैसूर मंडी की तो मैसूर में वीआईपी आलू 26-27 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 22-23 रुपए किलो। और बात करें कानपुर की तो कानपुर में मोटा आलू वीआईपी 19-20 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपए किलो। बात करें गुल्ले की तो गुल्ला बिक रहा है 15-16-17 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपए। बात करें और 40-45 गाड़ी है दोस्तों मोटे आलू में, दोस्तों तेजी एक दो दिन से देखी गई है, कानपुर में 20 रुपए तक दोस्तों बिकने लगा है, जो 19 बिक रहा था। हॉलैंड बिक रहा है दोस्तों 20-21 रुपए किलो, जयपुर में हॉलैंड बिका है आज 23-24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 20-21 रुपए किलो। बात करें हैदराबाद मंडी की तो 302 एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं 26-27, हल्की क्वालिटी का 24-25 रुपए किलो।
37-97 बिक रहा है 24-25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 23-24 रुपए किलो। टोपालम मंडी में दोस्तों आज आलू बिके हैं आपके, बढ़िया आलू दोस्तों बिके हैं आज यूपी के 32-33 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 31-31 रुपए किलो। टोपालम मंडी में दोस्तों गुजरात का आलू आज बिका है 33-34 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी का 30-32 रुपए किलो। बंगाल में आज आलू की जो रेट है वो है कलकत्ता वाला बढ़िया ज्योति बिक रहा है आपका 1180-1210, हल्की क्वालिटी का 980-1000 रुपए। धूपगुड़ी का ज्योति बिक रहा है 1050-1060 रुपए, हल्की क्वालिटी का 950-950। दिल्ली में दोस्तों 75 गाड़ी है और दिल्ली की स्थिति वही है जो चल रही है 2 महीने से, वही रेट दिल्ली में चल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इस साल हसन में हिमालयी की डिमांड ज्यादा है कंपेरिजन अगर ज्योति से करें तो, हिमालयी आलू ज्यादा लग रहा है दोस्तों हसन में इस बार। तो अब देखते हैं कैसी पैदावार आती है और कितनी बुवाई होती है लास्ट में पता चलेगी। बारिश तो बंद हो, पहले वहां बारिश नहीं हो रही थी, अब इतनी बारिश हो रही है पूछूंगा। पहले हरी सब्जी वहां की खराब कर दी कर्नाटक की, बारिश के अवाम में खराब हो गई, अब इतनी बारिश हो रही है जो लोगों ने तैयार की थी वो वैसे बह गई सब, इतनी बुरी स्थिति है। तो ये किसानों के लिए काफी संकट है। मैं भी निवेदन करूंगा कि मौजूदा सरकार से या आने वाली सरकारों से कि भैया कम से कम किसानों के लिए हित में काम करो, किसानों की तरफ देखो, ठीक है ना, किसान के हित में काम, एक बस किसान को पकड़ के ही आप उनके हित में काम करते रहिए, आपकी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। पर कोई सोचे तो सही, समस्या तो ये कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है। और जो योजना है किसानों के लिए उनकी तो मॉनिटरिंग ऐसे होनी चाहिए कि जो भाई किसान सबसे ज्यादा बोला है, कोई अगर डॉक्टर इंजीनियर है वो तो अपने लिए कोई सुविधा आ रही है तो उसके लिए अड़ बैठेंगे, अब किसानों को पता ही नहीं चल पाती है कि भैया कौन सी सुविधा हमारे लिए आ रही है। तो इसके लिए सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आप सुविधाएं तो खूब दे रहे हैं पिटारे, पर यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जमीन तक। वीडियो को शेयर करें।